पेट्रोल पंप हर खास और आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर ना गया हो। पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आपकी जेब में रुपए होने चाहिए, क्योंकि ये फ्री नहीं मिलता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसी भी सुविधाएं हैं जो बिल्कुल फ्री में मिलती हैं। अगर ये सर्विस देश के किसी भी पंप पर ना मिले तो आप इसके लिए शिकायत भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपकी शिकायत सही पाई गई तो फिर उस पेट्रोल पंप पर जुर्माना भी लग सकता है और साथ ही लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। पेट्रोल पंप डीलर को अपने पंप पर आम लोगों की सुविधा के लिए निःशुल्क पीने के पानी की सुविधा देनी होगी। इसके लिए पेट्रोल पंप डीलर को आरओ मशीन, वाटर कूलर और पानी का कनेक्शन खुद से लगवाना होगा। अगर किसी पंप पर पीने के पानी की सुविधा ना मिले तो इसके लिए भी तेल मार्केटिंग कंपनी से शिकायत कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप रास्ते में किसी परेशानी में फंस जाएं और मोबाइल फ़ोन की सुविधा ना हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर किसी एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके लिए पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मचारी या फिर मैनेजर आपसे मना नहीं कर सकता है। ये सुविधा भी पेट्रोल पंप पर फ्री में मिलती है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप पर साफ और स्वच्छ शौचालय की सुविधा लोगों को मिलती है। इसका प्रयोग करने के लिए आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर पेट्रोल पंप पर गंदे और टूटे शौचालय हैं तो इसकी शिकायत आप तेल कंपनी से कर सकते हैं। हर पेट्रोल पंप पर एक फर्स्ट एड बॉक्स की सुविधा भी होनी चाहिए, ताकि आम जनता जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सके। इस बॉक्स में जीवन रक्षक दवाइयां और मरहम पट्टी होनी चाहिए। इसके साथ ही सभी दवाइयों पर एक्सपायरी डेट भी लिखी होनी चाहिए। इस बॉक्स में दवाएं पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर पेट्रोल पंप पर आपकी मांग पर फर्स्ट एड बॉक्स देना मना कर दे तो इसकी लिखित शिकायत आप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ग्राहकों और पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी और क्वांटिटी जानने का भी पूरा अधिकार है। पेट्रोल पंप मालिकों को इसके लिए व्यवस्था करनी होती है। ऐसा ना करने पर शिकायत आप दर्ज करवा सकते हैं। पेट्रोल पंप के मालिक के लिए पेट्रोलियम कंपनी का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर टांगना अनिवार्य है। इसके माध्यम से ग्राहकों को पेट्रोल पंप मालिक या फिर संबंधित कंपनी से संपर्क करने में सुविधा मिलती है। हर पेट्रोल पंप पर उसके खुलने और बंद होने के समय का नोटिस टंगा होना चाहिए। इसके साथ ही पेट्रोल पंप किस दिन बंद रहेगा इसकी भी जानकारी देना अनिवार्य है। सभी पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में हवा भरने की सुविधा देना अनिवार्य है। इसके लिए पेट्रोल पंप डीलर को अपने पंप पर हवा भरने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन और गाड़ियों में हवा भरने वाले व्यक्ति को नियुक्त करना भी जरूरी है। एक बात और है कि इस सर्विस के लिए पेट्रोल पंप मालिक या फिर नियुक्त व्यक्ति आपसे पैसा नहीं मांग सकते हैं। ये सुविधा निःशुल्क लोगों को दी जाएगी। अगर कोई पंप इसके लिए पैसा मांगता है तो फिर उसके खिलाफ संबंधित तेल कंपनी को शिकायत की जा सकती है। यदि किसी महिला के पास उसका दूध मुहा बच्चा है तो उसे फीडिंग कराना है तो पेट्रोल पंप पर ये सुविधा होनी चाहिए, जहां पर वह अलग कमरे में अपने बच्चे को दूध पिला सके। अगर आपको पेट्रोल पंप के मालिक अधिकारी से ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो आप इनके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उस पेट्रोल पंप का लाइसेंस निरस्त हो सकता है। ध्यान रखें, ये हमारा अधिकार है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पर भारत के साथ।